हेलो एवरीवन, राइट नाउ आई एम आउटसाइड छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स मुंबई और आज हम ट्रैवल करने वाले हैं वंदे भारत एक्सप्रेस से। आज हम जाएंगे CSMT से सोलापुर जंक्शन तक। आपने काफ़ी टाइम से वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में सुना होगा, ये इंडियन रेलवेज का एक फ्यूचर भी जिसे कंसिडर किया जा रहा है। तो आज हम एक्सपीरियंस करते हैं इस जर्नी को, देखते हैं एक्चुअली वंदे भारत ट्रेन कैसी है। तो चलिए इस व्लॉग के थ्रू मैं आपको ये पूरा जर्नी का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये है मेरे पीछे द फेमस वंदे भारत एक्सप्रेस। ये है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स मुंबई और कुछ ही देर में हमारी ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस अपने प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। गाइस, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स ये इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक है। यहाँ पे कुल मिला के 18 प्लेटफॉर्म्स हैं और कंटिन्यूसली रेलवेज का रश होता है। थोड़ी देर में हमारी ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे आएगी। आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ जाके इस रेलवे का ट्रैक खत्म होता है और क्योंकि इस टाइम हम मुंबई के छोर पे खड़े हुए हैं और इसके आगे पूरा समंदर ही है। सो दिस इज माय बोगी। हम राइट नाउ आई एम इनसाइड दी वंदे भारत एक्सप्रेस। दिस इज C13 बोगी, जो CC क्लास है यानी कि रेगुलर क्लास। इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव क्लास होती है, अभी तो मैंने उसका टिकट नहीं किया अभी क्योंकि मैंने इमरजेंसी में टिकट करवाया था और मुझे यही टिकट अवेलेबल था। इस AC चेयर कार यानी कि ये पूरी ट्रेन एयर कंडीशनर है और चेयर कार इन द सेंस इसके अंदर कोई स्लीपर बोगी नहीं होती, सभी सिटिंग बोगी होती है और ये वैलिड भी है बिकॉज अभी हम 4 बजे यहाँ से मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से निकलेंगे और तकरीबन 10:30 बजे तक हम सोलापुर जंक्शन, जो इसका फाइनल स्टॉप है, वहाँ पर पहुँचेंगे। यहाँ पे एक पैंट्री है, पानी बॉटल्स जो सबको थोड़ी देर में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। यहाँ पे काफी बड़ा एरिया है, डोर्स जो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगे एंड दो बोगी को जोड़ने वाला यह प्लेटफॉर्म। यहाँ पे छोटा सा सिटिंग एरिया, मोस्ट प्रोबेबली स्टाफ इसको यूज करता है। अभी हम एंजॉय करने वाले हैं इस CC क्लास के अंदर। मुझे यहाँ पे विंडो सीट है, यहाँ पे आप देख सकते हो सीट्स एग्जीक्यूटिव क्लास के कंपैरिजन में ये यू कैन से इट्स क्वाइट गुड। एग्जीक्यूटिव क्लास के अंदर आपको रोटेटिंग चेयर्स भी मिलते हैं, इस चेयर्स के कंपैरेटिवली काफ़ी थोड़े बड़े चेयर्स भी वहाँ होते हैं। यहाँ पे भी आपको यहाँ पे एक छोटा सा डेस्क स्पेस मिलता है, आपको लेग रेस्ट मिलता है, वाटर बॉटल होल्डर यहाँ पे मिलता है एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस विंडो एरिया, जहाँ से आप आने वाले टाइम पे पूरा व्यू एंजॉय कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा और उसी के साथ साथ ये पूरी जर्नी किस तरह की होती है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दरवाजे बंद हो रहे हैं। सकते हैं जो अभी तक के रेल के जो रेगुलर बोगी होते हैं वो किस तरह के होते हैं एंड उसी के सामने यहाँ पे ये नए इंडिया की नई ट्रेन, दोनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन हम यहाँ पे कर सकते हैं। सो वी जस्ट स्टार्टेड आवर जर्नी और अभी हमें टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर और पानी की बॉटल प्रोवाइड की गई है और
एंड द टॉल स्काईस्केपर्स ऑफ मुंबई. और इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेन की स्पीड ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है एंड मुंबई का नज़ारा फॉलो करता हुआ. सो हियर इज द रेगुलर कंपार्टमेंट आपके बैग आपके लगेज रखने के लिए. आई जस्ट कीप माय बैग ओवर हियर. और यहाँ पर स्मॉल रीडिंग लाइट्स दिए गए हैं जो टच से ऑपरेट होते हैं अगर आपको एक्स्ट्रा लाइट चाहिए कुछ रीड करने के. एंड वन मोर थिंग, हर सीट के नीचे आपको एक चार्जिंग पोर्ट दिया गया है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने मोबाइल फोन्स लैपटॉप्स को चार्ज कर सकते हैं. और मुंबई सिटी से बाहर निकलते ही हमारे लिए स्नैक्स प्रोवाइड किए जाते हैं. तो स्नैक्स में अभी हमें ये सर्व किया गया है. यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर चकली है, यहाँ पे एक पकौड़ा है, वहाँ पे टी है, वो शायद बाद में उसके लिए गर्म पानी ला कर देंगे, और एक मैंगो फ्रूट देंगे. तो चलो स्नैक्स का थोड़ा सा मज़ा लेते हैं इस ऑसम व्यू के साथ. अभी हमें सेपरेटली एक गर्म पानी दिया गया है जिसके अंदर ये इंस्टेंट इलायची टी मिक्स करके चाय बना ली है. देखते हैं enjoy my tea right now aur aap mere sath is journey mein bane rahiye. दिस इज़ ऑलमोस्ट इवनिंग टाइम और इस जर्नी का सबसे बेस्ट पार्ट अभी यहीं पे स्टार्ट होने वाला है. मैं बात कर रहा हूँ खंडाला घाट की. अभी थोड़ी ही देर में खंडाला घाट का व्यू स्टार्ट होगा एंड क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर इतने बड़े विंडोज़ हैं तो हम खंडाला घाट का बेस्ट व्यू यहाँ से ऑब्जर्व कर पाएंगे और जितना हो सकता है मैं आप सभी के साथ शेयर भी कर पाऊँगा. सो लेट्स एन्जॉय द व्यू. हाफ जर्नी कंप्लीट हो जाएगी बट आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए. वन मोर थिंग, अगर आप वंदे भारत के वाईफाई नेटवर्क के ऊपर जाते हो तो वहाँ से आपको एक लिंक मिलती है जिसके ऊपर आपको ट्रेन के सारे डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं. जैसे मेरा अभी नेक्स्ट स्टेशन पुणे जंक्शन है, अभी स्पीड 87 किलोमीटर्स पर आवर है, पुणे जंक्शन अभी 9 किलोमीटर्स दूर है, इसी तरह के सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड होते हैं. सो इट्स टाइम फॉर डिनर. हमारा खाना यहाँ पे आ चुका है तो चलिए इसे मैं ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि खाने के अंदर क्या क्या है. दिस इज़ अ वेज थाली, इसके ऊपर आप लिखा हुआ देख सकते हैं. इसके अंदर है पनीर 150 ग्राम, यहाँ है दाल 120 ग्राम, और यहाँ पे है राइस 100 ग्राम, उसके अंदर रोटी है और यहाँ पे दही है. और साथ ही यहाँ पे है एक चम्मच आयोडाइज सॉल्ट, उसी के साथ मिक्स्ड पिकल यानी कि अचार, वॉश के लिए हैंड सैनिटाइजर. सो हमारा डिनर यहाँ पे आ चुका है, थोड़ी ही देर में हम डिनर स्टार्ट करेंगे और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डिनर के अंदर यहाँ पे क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है. सो हियर इट इज़ द फुल लुक ऑफ वेज थाली इन वंदे भारत एक्सप्रेस अलॉन्ग विद अ वाटर बॉटल. ये आपको डिनर के अंदर प्रोवाइड किया जाता है अगर आप वेज खाना ऑर्डर करते हो. एंड डिनर के बाद डेजर्ट में आपको आइसक्रीम प्रोवाइड किया जाता है. और सभी विंडोज़ के अंदर इस तरह के पार्टीशन दिए गए हैं ताकि डे टाइम के अंदर आप एक्सेसिव सनलाइट और बाहर की व्यू को ब्लॉक कर सकते हैं. नाउ फाइनली किस तरह के हैं यहाँ के टॉयलेट्स.
वेल, टॉयलेट स्पेस बड़ा है, एरिया काफ़ी क्लीन था, यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। उसी के साथ साथ आपको सामने वॉश बेसिन प्रोवाइड होता है, उसी के साथ सोप है, सामने एक बड़ा सा मिरर है, ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। सो दैट्स इट, कुछ ही देर में हम सोलापुर जंक्शन पहुँच जाएंगे। आई होप आपने भी इस जर्नी को उतना ही इन्जॉय किया जितना हम लोगों ने इसको इन्जॉय किया। सो फाइनली 500 किलोमीटर्स और 6.5 घंटे के जर्नी के बाद हम पहुंच गए हैं सोलापुर जंक्शन, और इसी के साथ मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस इन ट्रैवलिंग वंदे भारत एक्सप्रेस कंप्लीट होता है। एंड गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अब तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल, ताकि इसी तरह के अलग अलग टेक्निकल, मोटिवेशनल, एजुकेशनल वीडियोज का आप यहाँ पे मजा ले सके। दिस इज अर्शद सैयद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।